सक्सेजन में आपका स्वागत है। आपका जो पेपर रीड का कराया गया था 24 जुलाई को, जो थर्ड शिफ्ट का था, उसमें जो भाषा सेकंड था हिंदी का, वह प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ सटीक उत्तर के साथ। आए देख लेते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर 61 से लेकर 65 तक गद्यांश आधारित प्रश्न थे। गद्यांश आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो आप पढ़ लीजिए, हम प्रश्नों के उत्तर बता दे रहे हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा, उषा ने हंस अभिनंदन किया पंक्ति से अभिप्राय है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, प्रकृति के उषाकालीन रूप सौंदर्य से, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्ति में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, नाव पर झेल प्रलय का शीत, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बीज रूप से सृष्टि पंक्ति में निहित अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका जो है उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, विश्वलोक में फैला आलोक पंक्ति में रेखांकित पद से आशय क्या है। तो भारत द्वारा अखिल विश्व में ज्ञान प्रसार से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, उपयुक्त काव्यांश में कवि की निम्नलिखित भाव दशा को उद्घाटित किया है। तो आपको तो 65 का जो उत्तर है आनंद, आनंद आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है, मुझे वहाँ जाना है वाक में रेखांकित पदबंध है। तो मुझे जो आपका वह सर्वनाम है, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न, स्वयं अपने पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना अर्थ प्रकट करने वाले का सही लोकोक्ति क्या है। तो अपना रख पराया चख, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न, माथो मुंडड़ो राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना था। तो सही अर्थ इसका हो जाएगा डी जो ऑप्शन, मूर्ख बड़ाए रे ठगड़ो, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न, देव गंगा हिमालय से निकलती है वाक में प्रयुक्त कारक का नाम बताना था। तो यहाँ पर गंगा जो है हिमालय से अलग हो रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक है, सी आपका राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, तुल्यता सूचक चिन्ह का सही उदाहरण बताइए। तो तुलना सूचक शब्द का आपको बताना था। तो शिक्षित बराबर पढ़ा लिखा जो लिखा, यही आपका राइट है, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के, किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय क्या है। तो इसका जो अभिप्राय वह है बच्चों का बाग, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न, डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक हैं। तो डाल्टन के प्रणाली के आविष्कारक जो है वह पार्कहर्स्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण आपको बताना था। तो मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण जो है कहानी सुनना और सुनाना, ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो आपका, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भाषा की अच्छी पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषता क्या है। तो भाषा की अच्छी पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषता जो है, सरल सरस शब्दावली से निर्मित होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरह। अगला, विद्यालय पुस्तकालय में आवश्यक सामग्री ढूंढने में अहम भूमिका होती है। तो आपका जो लैब मैनुअल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का साधन नहीं है। तो आपको बता दें सी जो ऑप्शन, लघु गणक सारणी, ये आपका मातृभाषा शिक्षा का साधन नहीं है, बाकी चित्र विस्तारण यंत्र, चित्र दर्शन, ग्रामोफोन, ये तीनों हैं, सी आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो इसका प्रमुख लाभ है। तो बी ऑप्शन अगर आप देखेंगे, विद्यार्थी सत्र पर्यंत अध्ययनशील रहते हैं, बी आपका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भाषा प्रश्न पत्र निर्माण में ध्यातव्य है। तो 79 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान अवबोध अभिव्यक्ति से पूर्ण प्रश्न हो, डी आपका राइट है। अगला प्रश्न, 80वां प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है। तो 80 नंबर का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका, अधिगम कठिनाई दूर करने हेतु, बी आपका राइट है। चलिए यहाँ पर आगे आपका गद्यांश है, इससे लेकर 90 तक प्रश्न पूछे गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, हम उत्तर बता दे रहे हैं। कैसे प्रश्न, प प ब भ म उ और उ स्वरयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो प प ब भ उ और उ जो है ओष्ठ व्यंजन है, आपको पता ही होगा, बी आपका राइट है।
अगला प्रश्न, काम शब्द का तत्सम आपको बताना था। काम का तत्सम आपका होता है कर्म, सी आपका राइट है। अगला प्रश्न, उदार और उद्धार युग्म का सही अर्थ आपको बताना था। तो उदार का अर्थ होता है मुक्त हृदय और उद्धार का अर्थ होता है त्राण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर अ उपसर्ग के उदाहरण हैं। अ उपसर्ग से बने जो शब्द हैं आपके अवगत हैं और अवगम हैं। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न, जीवन शब्द में प्रत्यय है तो जीवन में आपका जो है न्य प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न, व्यवहार शब्द में निहित समास का नाम बताना था। तो बी प्लस अवहार है, यहाँ पर बी उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट है। चलिए बढ़ते हैं, अभी व्यवहार समास इसमें राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संपत्ति शब्द का संधि किस संधि का उदाहरण है, तो आपको बता दें ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 88वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शब्दकोश में क्रम से सही शब्द कौन से हैं। क्रमवाचक आपको बताना था कौन सा शब्द पहले आएगा, तो आपको बताते हैं सी जो है ईमानदारी, नम्रता और विपत्ति आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से मानक स्वरूप है, तो वर्तनी की दृष्टि से पूछा है, तो बी आपका दम्भ आपका राइट आंसर है, बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण आपको बताना था। तो अगर आप देखेंगे मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए, ये कंफर्म है, निश्चित है, मतलब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो बी आपका राइट है। तो ये रहा रीट लेवल 2 का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था, उसमें जो भाषा 2 हिंदी था उसका प्रश्न पत्र सटीक उत्तर के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।